बंगाली मस्टर्ड फिश करी बहुत ही टेस्टी बनती है, चावल के साथ जनरली खाते हैं इसे। चलिए बताएं कैसे बनाया। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाली घंटी भी दबा दीजिए ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियोस बनाएं आपको उसकी नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो थम्स अप भी दीजिए। चलिए बताएं कैसे बनाया। मस्टर्ड फिश बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम के करीब फिश, जिसको कि रोहू फिश है ये, और आधे घंटे पहले हमने नमक और हल्दी से मैरिनेट करके रख दिया था। एक प्याज है मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ, एक प्याज बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का, आधा टीस्पून यहाँ पर है पांच फोड़न, चार से पांच हरी मिर्चें हैं स्लिट की हुई, एक टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स हैं, हाफ टेबल स्पून खसखस है, इनको हमने पेस्ट बनाना है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल हीट करना रख दिया है 2 टेबलस्पून जितना, और 1 टेबलस्पून के करीब और लगेगा। तो अब सबसे पहले हम ये फिश पीसेस को फ्राई कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट से 3 मिनट तक हम एक साइड में इसको करेंगे और फिर साइड पलट देंगे। बहुत ज़्यादा इसको करने से फिर जो है वो बर्न हो जाती है, तो इसलिए इसको होने देते हैं अभी। और एक बार ही हो जाती है ये दोनों तरफ से, तो आपको दिखाते हैं। फिश पीसेस तल लिए हैं हमने और यहाँ पर पेस्ट भी रेडी है, तो अब बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस को यहाँ पर दोबारा से ऑन कर दिया है और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये 5 फोड़न। तेल काफ़ी सारा है, हमें और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको तड़कने देंगे पहले। हमने डाल दिया इसमें प्याज और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हो गई लाइट ब्राउन, अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर। टमाटर के साथ साथ ही डाल देंगे स्लाइस्ड मिर्चें, हाफ हाफ करके हमने इसे स्लाइस किए हैं, और हम इसमें अब साथ के साथ ही डालेंगे नमक और हल्दी। हम इसमें डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार। ये याद रखना है कि हमने फिश में ऑलरेडी डाला हुआ है। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून तीखी हरी लाल मिर्च। एक आधा मिनट इसको पकने देंगे। टोमेटो मशी होते ही मस्टर्ड और खसखस का पेस्ट डाल देंगे। तो मतलब ये हमने डाल दिया मस्टर्ड का पेस्ट और डालेंगे इसमें पानी। ग्रेवी के लिए मस्टर्ड पेस्ट को थोड़ा सा पकाया देखिए, और अब हम इसमें डाल रहे हैं ग्रेवी के लिए पानी। उस वक्त थोड़ा सा पानी खाली इसलिए डाला था कि वो बर्तन में से निकल आए सारा पेस्ट। अब इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे। पहले बॉईल आ गया तो हमने इसको ढक दिया है और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। हमने यहाँ पे सेक मीडियम कर दिया है, 5 मिनट के करीब पकाएंगे इसे। ग्रेवी थिक हो गई तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं फिश पीसेस। इसके अंदर 1/2 टीस्पून लाइम जूस कम है इसीलिए हम थोड़ा सा ही डाल रहे हैं। इसके ऊपर अब हम डाल रहे हैं कटा हुआ बारीक धनिया। और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा कच्चा मस्टर्ड ऑयल, सिर्फ 1/4 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से और बंद कर देंगे, फिर आपको प्लेट आउट करके दिखाते हैं। मस्टर्ड फिश करी रेडी है, आप इसे बनाएं, खाएं और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आप इसे किसी और तरीके से बनाते हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिए।
ताकि हम भी आपका वजह तरीका ट्राई कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।